बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइव की थी आयलर लग्रांज इक्वेशन विद वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल, और वन इंडिपेंडेंट के साथ हमने मैनी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी की थी, यानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और दो डिपेंडेंट और तीन डिपेंडेंट या कह लें कि एन डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके लिए हमने वो किया था। और एक में था हमने एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए किया था। तो इसमें क्या है, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो एक से ज्यादा, यानी इसमें टू है। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो आपके पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को यू से नोट कर लेंगे और जो इंडिपेंडेंट होंगे वो एक्स और वाई, यानी जिनके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे यू हमारा डिपेंडेंट होगा और एक्स और वाई हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। तो इसके लिए हमने लग्रांज इक्वेशन ड्राइव करनी। तो स्टेटमेंट देखें, द एक्सट्रीमल, यहाँ पे मैंने लिखा सरफस। वैसे एक्सट्रीमल क्या होता है, वो कर्व होती है सरफस के ऊपर जो आपको कह लें कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है। अब यहाँ पे ये टू डायमेंशनल होगा क्योंकि जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, तो आपकी जो एक्सट्रीमल बनेगी वो एक सरफस बनेगी। तो अब हमने देखना है कि यानी जो मिनिमम सरफस या कह लें जो छोटी से छोटी सरफस बन सकती है वो आपका क्या होगा, एक्सट्रीमल होगा। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई ऑफ यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये देखें जब हम ये टू डायमेंशन लेंगे तो यहाँ पे फिर डबल इंटीग्रल लिया एफ ऑफ एक्स वाई, ये पहले हमने लिखे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर ये वाई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यू यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, यानी इस तरह का हमारा एफ होगा इसमें। वेर यू हैज डिफरेंट वैल्यूज इनसाइड द रीजन आर, यानी यू की वैल्यूज वेरीज करती हैं रीजन आर के अंदर, यानी जो भी हमें वैसे तो होती है ना बाउंड्री कंडीशन, वहाँ पे इंटरवल होता है जब हमने वो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए किया था। अब यहाँ पे टू इंडिपेंडेंट, यानी ये एक स्पेस बन रही है, ये कह लें सरफस बन रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई रीजन होगा जहाँ पे हमारा ये आर या कह लें कि जो उसकी डोमेन होगी वो कोई ना कोई ये रीजन होगा। तो यू क्या है, उस रीजन के अंदर उसकी वैल्यूज वेरी करती है, यानी फिक्स नहीं है, डिफरेंट है। यू हैज डिफरेंट वैल्यू इन साइड द रीजन आर बट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बाउंड्री ऑफ रीजन, यहाँ पे ये एक वर्ड यूज किया गया है प्रिस्क्राइब, यानी कहने का मतलब कि रीजन आर के अंदर तो उसकी वैल्यूज चेंज होती है लेकिन बाउंड्री के ऊपर ये कह लें या बाउंड्री के ऊपर क्या होगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी या कह लें कॉन्स्टेंट रहेगी रीजन आर की बाउंड्री पे। तो ये कह लें कि वहाँ पे हमारा डेल यू जो होगा या डेरिवेटिव होगा वो बाउंड्री के ऊपर जीरो होगा लेकिन इन साइड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। Moreover, you is supposed to possess continuous partial derivatives up to second order. यानी जो u है हमारा function, तो इसका जो double derivative है वो continuous है, यानी कह लें कि इसका double derivative exist करता है, is given by the partial differential equation. यानी हम वो बात कर रहे थे ना extremal of the functional, फिर आगे वो functional के बारे में यहाँ तक डिटेल लिखी हुई थी, is given by, तो इस तरह हम एक्सट्रीमल फाइंड कर सकते हैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। कैसे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू माइनस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई इज इक्वल टू जीरो। जो वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट के लिए हमने किया था, वहाँ पे था वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो वहाँ पे हमने किया था पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम। यानी वहाँ पे तो ये है ना, एक ही वेरिएबल था डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम डी बाई डी एक्स यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्स जायद हो तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव ये यूज़ करते हैं। बेसिकली ये भी डेरिवेटिव होता है लेकिन ये एक से जायद इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज़ होता है। तो ये देखें सेम क्राइटेरिया, वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, यू आ गया, यानी पहला बनेगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू, फिर y प्राइम के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब इसमें दो डेरिवेटिव यू एक्स और यू वाई, एक बार हम यू एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे f का और एक बार यू वाई के रिस्पेक्ट लेंगे, और इसका भी आ गया यू एक्स और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा। तो ये अलग लग्रांज इक्वेशन है फॉर टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। इट इज गिवन दैट, यानी ये हमें वो फंक्शनल दिया हुआ है, आई से उसको हम डिनोट करते हैं और ये मैंने रीजन आर भी बता दिया। अप्लाइंग शॉर्ट हैंड प्रोसीजर,
ये देखें, जो हमने पहले शॉर्ट हैंड प्रोसीजर पढ़ा वो वन डायमेंशनल के लिए पढ़ा था, यानी वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट के लिए। तो वहां पे क्या था, हमने वो सारा डी एक्स यूज कर लिया। अब दो हैं तो सेम उसी तरह होगा। ये देखें, पहले उसमें था जस्ट एक्स इंडिपेंडेंट था, तो हमने एक्स को छोड़ दिया था, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी उसी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले जाते हैं। तब यहाँ पे तो पहले ये दोनों के हैं, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ स्टार्ट होते हैं। तो पहले एफ का डेरिवेटिव पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डेल यू, यानी ये मैं सिमिलैरिटी बता रहा हूँ जो हमने पहले वन डायमेंशन के लिए शॉर्ट हैंड प्रोसीजर पढ़ा था उसके साथ। पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू यानी पहले इसके रिस्पेक्ट, फिर पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स यानी फिर इसके रिस्पेक्ट सा डेल यू एक्स, फिर इसके रिस्पेक्ट पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई डेल यू वाई, और टू डायमेंशनल है यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ से डी एक्स डी वाई लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर वन लिख दिया नाम, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिखने लगा हूँ, यानी इसकी वैल्यू लिखनी है और इसकी वैल्यू लिखनी है। वन डायमेंशन के लिए क्या था, हमने वो इंटीग्रेट कर दिया था, तो वहाँ से हमें वो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, तो वहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई थी, लेकिन यहाँ से हम वो नहीं कर सकते। मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाली कि अगर हम पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स डेल यू का डेरीवेटिव लें, इन पार्शियल डेरीवेटिव, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स एज इट इज। तो यहाँ से ये डेल यू, इसका डेरिवेटिव होगा एक्स रिस्पेक्ट, तो ये डेल यू एक्स बन जाएगा। इस तरह फिर डेल यू एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव होगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स का, तो वो मैंने साथ वैसे लिख दिया। यहाँ पे देखें, इसको हम वो पार्शियल स्केयर एफ बाई पार्शियल एक्स स्केयर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखें ये एफ के आगे भी कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जी, तो इस तरह हम वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मैंने जस्ट एज इट इज डेरीवेटिव लिख दिया। और यहाँ पे क्या है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यानी पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स और सा डेल यू एक्स, तो यहाँ से ये बनता है, तो इसकी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये टर्म लेफ्ट साइड पे जाकर क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स डेल यू एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये टर्म लेफ्ट साइड पे, यानी एज इट इज आ गई, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स डेल यू, और ये टर्म लेफ्ट साइड पे जाकर माइनस होगी, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स साथ डेल यू भी था। और इस तरह जब हम ये वाई के लिए करेंगे, तो वहां से पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई डेल यू वाई इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई डेल यू माइनस, यानी सेम इस तरह आएगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट थे और ये वाई के रिस्पेक्ट। अब ये इक्वेशन टू और थ्री, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी इक्वेशन टू यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं और इक्वेशन थ्री यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। पुटिंग इक्वेशन टू थ्री इन इक्वेशन वन, तो डेल आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रल पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डेल यू, यानी पहला कंपोनेंट था एज इट इज, ये दूसरे की वैल्यू मैंने यहां तक लिखी, ये दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू, और ये तीसरा जो था यानी तीसरी टर्म थी उसमें हमने ये इक्वेशन थ्री पुट कर दी, सा डी एक्स डी वाई एज इट इज आ गया। अब यहां पे मैंने क्या किया, ये एक ये टर्म पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डेल यू, और ये माइनस वाले दोनों ये एक जगह लिख लेंगे, पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू डेल यू माइनस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स डेल यू माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई डेल यू डी एक्स डी वाई। अब यहाँ से ये डेल यू कॉमन भी निकाल के नहीं, यहाँ पे लास्ट पे भी लिख सकते थे, लेकिन इसके साथ भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये दोनों प्लस वाली टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म ये वाई, ये मैंने यहाँ पे अलग कर दी। तो अब मैंने यहाँ पे दो इंटीग्रल बन गए, पहले इंटीग्रल को मैंने आई वन का नाम दे दिया और जो दूसरा इंटीग्रल है उसको मैंने आई टू का नाम दे दिया, यानी डेल आई की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, आई वन प्लस आई टू बाय ग्रीन फंक्शन। यानी यहाँ पे एक हम फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, ग्रीन थ्योरम क्या होता है कि अगर हम सरफेस इंटीग्रल लें पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई, तो वो लाइन इंटीग्रल के इक्वल, यानी सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में किस तरह कन्वर्ट होता है कि जो माइनस की टर्म है उसके साथ, यानी वो, यानी वैसे दोनों प्लस की आनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है उसके साथ डी वाई आना होता है, और जो वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होना होता है उसके साथ डी एक्स आना होता है। अब यहाँ से आई टू की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स, क्योंकि आई टू में क्या था, दोनों टर्म प्लस के साथ थी, यानी ये पीछे आप देख सकते हैं ये आई टू की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये देखें, ये टर्म प्लस के साथ और ये टर्म भी प्लस के साथ, यानी अगर हमने वो फार्मूला बनाना हो तो यहाँ पे हम इसको माइनस करके यहाँ पे इसके साथ भी माइनस लगा दें, यानी कह लें कि दूसरी टर्म क्या होगी हमारी, माइनस के इक्वल होगी, क्योंकि ये देखें ना, ये माइनस तो हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है इसके हिसाब से फिर माइनस में आएगा, वैसे इधर प्लस में आता है। पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स डी वाई माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई डी एक्स डेल यू। अब यहाँ पे एक और बात भी देखें
कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आता है और फिर बाद में वाई के रिस्पेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे देखें, मेरे पास ये टर्म थी ये वाली, तो यहाँ पे देखें पहले एक्स के रिस्पेक्ट और फिर बाद में वाई के रिस्पेक्ट। तो एक्स वाले के साथ क्या आना होता है, डी वाई, और इसके साथ क्या आना होता है, डी एक्स आना होता है। तो मैंने डी एक्स वाली टर्म यानी ये पहले लिखी, तो इसके साथ यानी ये बाद में लिखी, तो यहाँ पे कह लेंगे मैंने माइनस माइनस दो बार माइनस लिख लिया वो फार्मूला बनाने के लिए। तो ये लिखा गया पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स डी वाई माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई डी एक्स डेल यू, वेयर सी इज बाउंड्री ऑफ रीजन आर, यानी ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। और वो जो लाइन क्या होती है, वो जो आपका रीजन होता है उसका सराउंडिंग रीजन यानी कह रहे बाउंड्री होती है। सिंस यू इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन बाउंड्री ऑफ आर, क्योंकि यू क्या था, वो रीजन आर के अंदर तो वेरी करता था लेकिन बाउंड्री के ऊपर क्या था, वो वेरी नहीं करता था, या ऐसे कह लें कि वो फिक्स वैल्यू थी, या कह लें यू बाउंड्री के ऊपर कांस्टेंट था, या कह लें कि यू को हमने प्रिस्क्राइब किया था बाउंड्री के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी डेल यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब ये देखें यहाँ भी डेल यू ये इसमें भी यूज हो रहे हैं, और एक जो दूसरा इंटीग्रल था ये पीछे आप देख सकते हैं, ये आई वन की वैल्यू ये वाली, इसमें भी डेल यू जीरो हो रहा है। अब यहाँ पे हम डेल यू तो है लेकिन इसको हम जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, इसमें रीजन आर है, क्योंकि रीजन आर में तो डेल यू हमारा जीरो नहीं है, क्योंकि यू वहां पे वेरिएट कर रहे हैं। लेकिन जब आई टू में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम ये लाइन इंटेग्रल में चले गए हैं, क्योंकि ये सी में, तो ये देखें ये सी क्या थी, बाउंड्री थी, तो वहां पे यू की वैल्यू क्या थी, वो कॉन्स्टेंट थी या कह लें कि फिक्स थी, तो वहां पे डेल यू जीरो होगा। सिर्फ इसके लिए हम डेल यू की वैल्यू जीरो लिखेंगे, तो आई टू की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो हम इक्वेशन फोर को फिर लिखेंगे, वो डेल आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू था, तो आई टू जीरो हो गया, डेल आई की वैल्यू क्या आ गई, आई वन। फॉर एक्सट्रीमल डेल आई इज इक्वल टू जीरो, यानी हम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करने के लिए या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेल आई को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से आई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आएगी। अब आई वन बेसिकली था क्या, वो हमारा जो फर्स्ट इंटेग्रल था, यानी हमने आई वन प्लस आई टू लिखा था, जो फर्स्ट इंटेग्रल था वो आई वन था। तो यहाँ पे ये मैंने फर्स्ट इंटेग्रल लिख दिया, पार्शियल बाई पार्शियल यू माइनस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू एक्स माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई डेल यू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये देखें फंडामेंटल थ्योरम भी हमने वन डायमेंशन के लिए पढ़ा था, क्योंकि वहां पे हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, और जी ऑफ एक्स कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन हो तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो अब टू डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, बस सेम वही प्रोसीजर, बस ये है कि इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट होगा, डी एक्स डी वाई के रिस्पेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक डेल यू और एक ये वाला फंक्शन दिया हुआ। अब डेल यू क्या था, वो आर्बिट्रेरी फंक्शन था, तो इसका मतलब यानी ये हमारा जी ऑफ एक्स होगा और ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल यू इज आर्बिट्रेरी, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन वही है। तो फंडामेंटल थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि ये फैक्टर क्या होगा, यानी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। पार्शियल है बाई पार्शियल यू माइनस पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल है बाई पार्शियल यू एक्स माइनस पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल एफ बाई पार्शियल यू वाई इज इक्वल टू जीरो, विच इज रिक्वायर्ड लग्रांज आयलर लग्रांज इक्वेशन फॉर वन डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी जहां पे हमने एक्सट्रीमल फाइंड करना हो वन डिपेंडेंट और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, तो वहां पे क्या होगा कि हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो वो वैसे नमेरिकल दे के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, इसका मतलब फिर एक्स के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव होना है, वाई के रिस्पेक्ट भी, स्ट्रक्चर सेम वही है, तो बाकी ये है कि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से ये थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो ये हमने टू इंडिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट के लिए ड्राइव किया।